हेलो टीम, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, SMC, मार्केट मेकर्स आपको ट्रैप कैसे करते हैं, आपको उस ट्रैप से कैसे बचना है। साथ ही साथ हम यहाँ देखने वाले हैं कि स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरली अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ जो आप डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं से भी एक रैंडम चार्ट अपन ले लेते हैं, ठीक है, जिस पे आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, सपोज करिए अपन को यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट का सबसे डाउन पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डाउन पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ अभी के लिए, समझिए सबसे डाउन पॉइंट है मार्केट का। ठीक है, बड़े मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, जब भी मार्केट आपका अप जाएगा तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा जो एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे आप ऐसे कुछ, राइट, जो कि सही भी है, कोई गलत नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, ठीक है, सपोर्ट भी बना, रेजिस्टेंस दोनों का काम किया, एंड यहाँ पे बनाए नेक्स्ट सपोर्ट, यहाँ पे बना, एंड देन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे बना। ठीक है, आप समझिए मार्केट मेकर्स आपके साथ कर क्या रहे हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि आपने जो यहाँ पे ट्रेड ली थी, मार्केट आपका कुछ इस तरीके से अप गया एंड डाउन आया। ठीक है, मार्केट अप गया एंड डाउन आया, मार्केट अप गया लेकिन कंप्लीट डाउन नहीं आ पाया। ठीक है, इतना सा अप जाके यहाँ पे मार्केट हाई लगाया एंड फिर यहीं पे, मतलब ये कुछ ना कुछ जोन रिटेस्ट का पकड़ रहा है मार्केट, फिर अप जाता एंड मार्केट यहाँ पे क्या कैंडल क्लोज कर देता है अपनी। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से लोग ट्रेड करेंगे। पहली चीज़ तो ये, कुछ लोग इसको सपोर्ट समझेंगे, कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस समझेंगे, SNR लेवल इसको समझेंगे। ठीक है, एंड इस पे वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट ने जैसे नीचे कैंडल क्लोज की, तो उनका जो सबसे पहला सिनेरियो होगा ये होगा कि मार्केट रिटेस्ट पे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने कैंडल क्लोज करने के बाद ये एक रेड कैंडल बनाई एंड देन नेक्स्ट मूव बना दिया। अब जो कैंडिडेट पैसेंस नहीं रखेगा, जो बंदा पैसेंस के साथ ट्रेड नहीं करेगा, वो यहाँ पे एक ट्रेड प्लॉट करेगा। हो सकता है उस ट्रेड का ऐसे लिए रखे, या ये रखे छोटे टाइम फ्रेम पे, या हो सकता है ये रखे, अपन ये मान के चलते हैं उसने ये SL रखा और उसने अपना TP रखा ये वाला। ठीक है, 1:1 का रेशियो रखा, तो मार्केट ने क्या किया, उसका SL उड़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज उसके साथ गलत हो गई। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना आता था, तो उसने वही ट्रेड किया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कैंडिडेट क्या करेगा, चलो यहाँ पे ट्रैप नहीं होता वो, तो वो मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ से वो बाई का प्लान करता है। ठीक है, एंड उसका SL ये रहता है। मार्केट क्या करता है कि वो मार्केट को इतना बड़ा बाई लेके चलते कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, यहाँ तक कुछ आइडिया नहीं होता उनको। तो मान लीजिए उनके मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है, यहाँ से मार्केट अप गया डाउन आया, अप गया डाउन आया, अप गया एंड डाउन आ गया। अब वो क्या करेंगे, डर जाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको क्योंकि ये लो चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे एक एक कैंडल डाउन आती जाएगी वो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आते आते मार्केट को यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके, यहाँ पे आके ब्रेक इवन तक मार्केट को काट देंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो डर होता है वो ट्रैप करता है उनको, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको ट्रेड करना भी आता होगा तो भी उनका डर जो है उसको ट्रैप करने का ट्राई करेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो उनको थोड़ा आगे ड्रॉ करता है इसको इस तरीके से। अब यहां पे देखिए, अब वो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन है, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का देखिए तरीका ट्रेड करने का सही होता है, मैं गलत नहीं बताता इसको, लेकिन जिनको पैसेंस नहीं होता वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन पे इसको समझिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने लिक्विडिटी दी, और कहाँ पे दी, ट्रेंड लाइन के नीचे दी लिक्विडिटी। ठीक है, सेम क्या करेंगे वो लोग, अगर ट्रेड करना नहीं आता तो यहाँ पे भी ट्रैप होने का वो ट्राई करेंगे कि छोटे मार्केट मेकर्स होते हैं उनको बड़े मार्केट मेकर्स ट्रैप करेंगे यहाँ पे। बट आपको ट्रैप नहीं होना, इसको बचने के कुछ तरीके होते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही है। अब इसी ट्रेंड लाइन को अगर आगे मैं ट्रेल करता हूँ तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आपके मार्केट ने ब्रेक किया, जो
जो कि अच्छी बात भी है। मार्केट ब्रेक करने के बाद क्या रीटेस्ट करना है अगर आप वेट कर रहे हैं तो? देखिए यहाँ तक मार्केट गया, फिर यहाँ गया, अब यहाँ गया, तो हो सकता है कि अब आपकी जो ट्रेड प्लॉटिंग होगी वो यहाँ से होगी, कुछ इस तरीके से यहाँ तक। अब आपका एसएल मुझे नहीं पता यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। अगर आपने इधर एसएल रखा है तो यहाँ तक तो मार्केट ऑलरेडी एसएल उड़ा चुका है जो कि 27 पिप्स अप्रोक्स है, ठीक है, 27 पिप्स आपका मार्केट एसएल खा चुका है यहाँ पे, तो कैसे ट्रेड करेंगे आप? चलो कोई ना, मैं मान लेता हूँ कि ये भी आपकी गलती नहीं, आपको मालूम नहीं था इस पर ट्रेड कैसे करना है, आपने पेशेंस के साथ वेट किया, ठीक है, सारी चीजें की। यहाँ पे आप ट्रेड कुछ इस तरीके से प्लान करते हैं, ये लो पॉइंट आपने बनाया, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो जोन ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ये चाहे जैसे आप यहाँ ट्रेड करते हैं, फिर भी आपका जो प्रॉफिट टारगेट है उसको मार्केट बीट करने के अलावा फिर आपका एसएल खाता है यहाँ से। तो ये जो बार बार चीजें होती है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना, ये लाइक दिस टाइप की जो चीजें होती है ये आपको बहुत ज्यादा ट्रैप करती है, ठीक है, ये ड्रॉ करने में कोई इश्यू नहीं है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप लॉस कवर करते हैं, लॉस बुक करते हैं डेली के डेली, वहाँ मेन प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊँगा अब एसएमसी के माध्यम से कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, विदाउट एनी इंडिकेटर अपन इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसमें ट्रेड करते तो जो आपका एसएल स्टॉप लॉस वो बहुत छोटा होगा, इसमें आपके जो लॉस के चांसेस है वो काफी कम होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अपन एसएल यूज करते हैं वो बहुत छोटा होता है और बहुत नॉमिनल सा होता है, ठीक है। तो अपन वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं कि जो एसएमसी होती है वो आखिरकार वर्क कैसे करती है एंड उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है, तो वो आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले यही डाउन पॉइंट से अपन चलना स्टार्ट करते हैं, इसी पॉइंट से अपन चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको एसएमसी का कुछ भी नहीं पता कि एसएमसी क्या होती है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इसके ग्रुप के अंदर दे दूंगा, जहाँ पे मेरे चैनल्स भी है, ग्रुप भी है, सारी चीजें हैं, और ये जो सारे लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कुछ और चीजें देखनी है, सीखना है, तो डेली इवनिंग में 8:30 से 9 PM के बीच में डेली क्लासेस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो मार्केट क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ चीजें दिखाऊंगा, यहां से मार्केट अप जाता है एंड मार्केट डाउन आता है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया एंड डाउन आया, मार्केट अप गया एंड डाउन आया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आया। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो वाला पॉइंट था इसको आप क्या कहेंगे, लोअर हाई, राइट, इसको आप लोअर हाई बोलेंगे, और इस वाले पॉइंट को अगर मैं बात करूं तो इसको आप बोलेंगे लोअर लो। अब ये वाले जो पॉइंट है ये इंटरनल पॉइंट है, ठीक है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, जब भी आपका मार्केट लेफ्ट वाले हाई को ब्रेक करे, स्वीप करे, टच करे, इक्वल लो हाई बना है, ठीक है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं आईटीएम, यानी इल्यूजमेंट्स, ठीक है, यहां पे आपका इल्यूजमेंट हो जाएगा। एक मिनट, क्या हुआ ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका इल्यूजमेंट डन हो चुका है, ठीक है। अब इल्यूजमेंट होने के बाद मार्केट दो चीज करता है, आप समझते जाना, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इल्यूजमेंट लेने के बाद आपके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन आया हाई बनाया, डाउन आया हाई बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ये कुछ इस तरीके से अपने हाइस बनाते गया, और ये होती है आपकी लिक्विडिटी, ठीक है, ये लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की। अब इस हाई का जो लो है उसको मार्केट ने टच किया, तो ये आपका हो गया आईडीएम, ठीक है, आईडीएम, और आईडीएम के जस्ट नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है और एफईजी, वो आपका काम करता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होगा, बट यहां मार्केट ने रिटेस्ट ही नहीं किया, तो इससे नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है अपना और एफईजी है वो अपने लिए काम करेगा,
तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, अब ये FVG क्या होता है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है और YouTube चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह आपका FVG होगा। अब FVG पे जब भी आपका मार्केट आके टैप करता है तो वहीं से आपको कुछ ना कुछ कैंडल कन्फर्मेशन देख के एंट्री लेनी होती है। तो यहीं से मेरे को ये एक डोजी कैंडल का कन्फर्मेशन मिला एंड देन मैंने एंट्री प्लॉट कर दी। एंड इसके नीचे मेरा SL रहेगा जो कि लगभग लगभग 14 पिप या 15 पिप के आसपास रहेगा, और मेरा जो TP रहेगा इसका जो हाई है वो मेरा TP रहेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब भी मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसको अपन कहते हैं बॉस, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मेरा यहाँ पे जो TP हिट हुआ उसमें जो टारगेट था 43 पिप्स मैंने कलेक्ट किए यहाँ पे, कितने 43 पिप्स मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है मेरा, नो डाउट। आगे चलते हैं, अभी भी मेरा मार्केट अप जा रहा है, मैं चाहें तो ब्रेक इवन यूज़ कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, अप गया, लेकिन मार्केट ये एक पॉइंट था जिसको अपन वैलिड पुल बैक बोलेंगे, और वैलिड पुल बैक ही अपना IDM काम करेगा। तो ये वैलिड पुल बैक पे अपना IDM बना, और IDM के नीचे जस्ट क्या होता है FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं कहीं पे अवेलेबल, तो यहाँ पे अपन ऑर्डर ब्लॉक इस लास्ट वाली कैंडल को मानेंगे या इस कैंडल को मानेंगे। अगर आप इसको मानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कैंडल मिटिगेट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मिटिगेट का मतलब है इसमें काफ़ी बार यहाँ पे मार्केट आया एंड देन यहीं से इसको ब्रेक कर दिया, एंड इसका जो कंसिस्टेंसी लेवल है अब इतना हाई नहीं है। तो ये वाली जो कैंडल है अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का ये वाली कैंडल काम करेगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आया मार्केट, यहाँ पे अपने को हैमर कैंडल देखने को मिली, देन हैमर कैंडल मिलते अपना वही नेक्स्ट कन्फर्मेशन क्या, मार्केट आया, देन यहाँ पे अपन एंटर कर सकते हैं या कहीं पे भी आप कर लो जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, यहाँ पे करना है यहाँ पे कर लो जैसा आपको सूटेबलिटी हो, ठीक है। और SL आपको यहीं पे रखना है, और वही आपका TP आप अब तक लगा सकते हैं, या यहाँ पे जो भी पुल बैक हो उस अकॉर्डिंग पुल बैक पे आप इन चीज़ों को ट्रेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा TP रखा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा TP है। तो मार्केट ने क्या किया देखते हैं आगे, यहाँ पे मार्केट ने अपना TP हिट नहीं किया, यहाँ पे अपना ब्रेक इवन हिट होगा, ठीक है। मार्केट फिर भी कितना पिप अपने को देखे, अगर आप फर्स्ट हाई तक भी रखते हैं तो भी आपको मार्केट 51 पिप्स आपको देके जा रहा है यहाँ पे, और आपका SL कितना है ओनली 23 पिप्स, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, देखिए ये एक पॉइंट है जिसको चौक बोलते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है एंड वापस अप जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका इंटरनल पॉइंट का, इस चीज को आप क्या कहेंगे यहाँ पे IDM बोल सकते हैं, ये वाला पॉइंट आपका एज ए IDM कंसिडर होगा, इल्यूजमेंट, इसको इड्यूजमेंट भी बोलते हैं, बट ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बोल सकते हैं। ये आपका पॉइंट इल्यूजमेंट हो गया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो अपन इसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका, ये हो गया बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब देखिए अब इसमें एंट्री कहाँ लेंगे आप, क्यों, क्योंकि मार्केट ने SL कर दिया था अपना। तो अब आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, जब भी आपका मार्केट चौक करे एंड उसके नीचे कोई भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, FVG कुछ भी मिले, तो वहां से आप री बाई एंट्री करिए या री सेल एंट्री करिए। क्यों, क्योंकि वहां पे मार्केट का जो कंसिस्टेंसी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, वहां से मार्केट सेम डायरेक्शन में जा सकता है चौक करने के बाद में। जब चौक करके अप जाता है तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है चौच फ्लिप, ठीक है, चौच फ्लिप होता है ये वाला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एंट्री आप यहाँ भी कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग जगह कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। बट मान लीजिए अपने को एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका मार्केट चौक करता है
तो ये वाला जो एरिया बसता है यहाँ हाई से लेकर लो तक का, ये होता है ऑर्डर फ्लो। तो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर फ्लो होने के बाद मार्केट यहीं से आपको टैप करेगा। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल तरीके से बाई करते तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बाई दिखाया एंड रिटेस्ट के लिए कैंडल आई, ठीक है, बट ये नीचे चलेगा। अब आप सेल करें तो भी ट्रैप, बाई करें तो भी ट्रैप, तो ये ट्रैप होते हैं नॉर्मल। बट ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स कैसे इस ट्रैप से बचते हैं, जैसे ये ऑर्डर फ्लो मैंने बना, इस ऑर्डर फ्लो के 50% लेवल अबव से आपको बाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बाई करेंगे, कहीं से भी आप बाई करेंगे, तो आपको मार्केट अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड देके जाएगा। यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एसएमसी वर्क करती है प्रॉपर इसी तरीके से वर्क करती है। अब ये अगर आपको सीखना है, आपको और ज़्यादा इसके बारे में जानना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इवनिंग में डेली मेरी क्लासेस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ज्वाइन करिए, आपको कोई डाउट है, किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें बताई जाएगी एंड समझाई जाएगी, एंड देन उन सारी चीज़ों के माध्यम से आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, कैसे आप सारी चीज़ें मैनेज करेंगे, वो आपको उसमें सिखाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में।